मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पलसिया थाना का है, जहां देर रात अफरा तफरी का माहौल सामने आया। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ता नशे के खिलाफ चक्का जाम कर आंदोलन कर रहे थे, मगर तभी वहां पर पुलिस पहुंची और सड़क से इन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि बजरंग दल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है। ये भी बताया कि उनके कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। भाई साहब, आज पलासिया चौराहे पे क्या घटना थी और किस विषय में आप वहाँ पे गए पहुँचे थे? इस सिंधु परिषद बजरंग दल के आह्वान पर आज हमने यहाँ पर नशाखोरी को लेकर एक आह्वान करा था, एक धरना देने का प्रदर्शन का वो किया था, चेतावनी दी थी कि बढ़ते अपराध और बढ़ती नशाखोरी के लिए पलासिया थाना में जिस प्रकार से ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही है उसको लेकर, और एक हमारे कार्यकर्ता अनिल पाटिल जिस पर लगातार नशा मुक्त जिसने नशा का व्यापार करता था माज खान जो कमाल खान का छोरा, उसकी रिपोर्ट पर उसके कहने पर माज खान के कहने कमाल खान के कहने पर लगातार झूठी एफआईआर दर्ज हुई हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ। वही पुलिस का कहना है कि बिना जानकारी दिए ही बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे और जब इन्हें सड़क खाली करने के लिए कहा गया मगर ये मान नहीं रहे थे और इन्हें हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया है, जिसके बाद ये सड़क से हटे हैं। इनके द्वारा अचानक ही जो है पलासिया चौराहे पे आ गए और यहाँ रास्ता को रोक दिया, चारों से जो है जाम की स्थिति पैदा हुई और लोग परेशान थे। पुलिस के द्वारा इनको बार बार समझाइश दी गई और समझाने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे थे, इसलिए हल्का बल प्रयोग कर। सर, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी और कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए सर? हाँ, जो घटनाक्रम हुआ उसमें पुलिस के जवान भी कुछ घायल हुए हैं, उनको चोटें आई हैं, उनका भी मुलायजा किया जाएगा। साथ ही जो है जो विधिवत कार्रवाई है पूरी कार्रवाई। सर, इनकी मांग क्या थी, मुख्य काम मांग जो इन्होंने आज यहाँ पे प्रदर्शन किया? उनके द्वारा कोई लिखित में मांग नहीं प्रस्तुत की गई किसी भी तरीके से, कि कोई लिखित में मांग आज उनके द्वारा कोई प्रस्तुत की गई या कार्यक्रम की कोई सूचना विधिवत दी गई हो, ना कोई परमिशन ली गई उनके द्वारा किसी भी तरीके की, और अचानक ही आके यहाँ प्रासिया चौराहे पर। हालांकि इस प्रोटेस्ट मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हिरासत में लिए गए थे, सुबह होते ही पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूरा संज्ञान लिया और इस मामले के जांच के आदेश देते हुए थाना इंचार्ज को तत्काल लाइन अटैच करने के आदेश भी दिए हैं।